ऐसे कोई ढोक नहीं देंगे। जिनवाणी को प्राजन करो बेटा, जिनवाणी को प्राजन करो, इधर नहीं नीचे नहीं ऊपर करो, हमसे नीचे नहीं कर, हमसे ऊपर कर। नीचे कोई जिनवाणी नहीं रखना हमसे, है ठीक है। कितने लोग पद्मासन बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ तो आपको ठंडी गर्मी भी नहीं लगेगी। थोड़ा दूर दूर बैठे, अच्छे से पद्मासन बैठ रहे हैं, वही बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैठ रहे हैं। ट्राई कीजिए, जो लोग बैठ सकते हैं ठीक है, नहीं तो सुखासन से बैठ जाइए। सुखासन कहते हैं इजीली बैठ जाए। बैठ गए सभी लोग? वेरी गुड। चले, जो लोग बैठ रहे हैं बढ़िया है, नहीं बैठ पा रहे हैं कोई बात नहीं, जैसे बैठ सकते हैं आप सरलता से बैठ जाइए। स्ट्रेट कीजिए अपने को, उनको सीधा, वेरी गुड। अब किसी की ओर नहीं देखना है, जैसे भगवान की नाशाग्र दृष्टि होती है वैसे करना है, लेकिन सिर नहीं झुकाना है किसी को, सिर ऐसे नहीं झुकाना, देखिए ऐसे नहीं झुकाना है, और इस तरह से ऊंचे चेहरा भी नहीं करना है, एक समतल, एक सम बैलेंस स्ट्रेट होना चाहिए सीधा। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट हो, हाथ के कंधे बिल्कुल खींचे हुए हो, ढीले ना हो, आप इस तरह से बैठ जाइए। बिल्कुल जैसे भगवान की मुद्रा है, प्रतिदिन आप अपने कंसेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में शांति लाने के लिए, चित्त में से एक्साइटमेंट नष्ट करने के लिए, इस तरह बैठने का प्रतिदिन प्रातःकाल खुली हवा में इस तरह बैठने का अभ्यास कीजिए। मंदिर में कभी माला फेरें, सामायिक करें, तो इसी प्रकार करें। आप आंखों को गड़ाइए ना, इजी रखिए, बिल्कुल इजी, जैसे भगवान की नाशाग्र मुद्रा है बिल्कुल इजी ऐसा रखिए। इसी मुद्रा में अपन दोनों हाथों को जोड़ेंगे, मुकुलाकार, ये मुकुलाकार कहलाता है श्रीफल के आकार का। हमारे हाथ न सीने से चिपके हों, न ठोड़ी से लगे, इसी पे में देखिए बिल्कुल उंगलियां फैली हुई न हो, जाली की तरह घनाकार भी हो और श्रीफल की भांति हो। अब जिस तरह से मैं उच्चारण कर रहा हूं उसी प्रकार से आप प्रतिदिन उच्चारण किया करें। आपको योगा और प्राणायाम के सारे लाभ इनमें मिल जाएंगे। जिस तरह से जितनी देर तक मैं बोलूंगा उतनी ही देर तक आपको भी बोलना है। नमो पाप नाशनो, नाशनो माने नाश करने के लिए,
सर्व पाप प्रणाशिनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् पन्नतो धम्मो मंगलम् अधिकांश लोग उसमें गलत बोल रहे हैं। केवली केवली नहीं है, केवली केवली वह पूरा बोलिएगा और ला छोटी की मात्रा, ला में छोटी की मात्रा। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो हाँ, ये आखिरी में लोकोत्तम बोलते हैं, पहले चार बार तीन बार लोकोत्तम बोलते हैं। केवलि पन्नतो 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 धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पम्पज्जामि अरिहन्ते शरणं पम्पज्जामि सिद्धे शरणं पम्पज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पपज्जामि इसमें आप लोग पपज्जामि गलत बोलते हैं। कई लोग पपज्जामि बोलते हैं, पब्बव जामी नहीं है, पब्बस जामी, पब्बस जामी। क्या बोलेंगे? पब्बस जामी, पब्बस माने पब्बस बोलना है आपको, पब्बव नहीं बोलना है, पब्बस जामी। बोली महावीर भगवान की। ठीक है, अच्छे से बैठ जाइए। अच्छा लगा आप लोगों को? आप यदि इसी तरह से उच्चारण करके प्रतिदिन प्रार्थना करें बिस्तर से जागने के बाद, उठने के बाद, तो जो राम देव के नाम आते हैं आजकल, प्राणायाम करिए, योगा करिए, उसका आपका बहुत सारा लाभ इसमें हो जाएगा। इस योगा के लिए हम एक बात कहना चाहेंगे, आप लोग किसी भी डॉक्टर, फिजिशियन या रामदेव, सुनिए हमारी ओर देखिए, आप यदि उनके अनुसार कोई भी योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे तो आपको पाप बंद होगा, क्योंकि उसमें केवल शरीर की स्वस्थता के लिए हम कर रहे हैं।
आप शरीर की स्वच्छता के लिए पानी छान के पीते हैं तो पाप लगता है, लेकिन जीवों की रक्षा करने के लिए पानी छानते तो हमें पुण्य होता है। हम अनंत भगवान की पंच परमेश्वरियों का स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं, नमन करते हैं तो पुण्य होता है। मैं इसको अपनी भाषा में कहूं तो हम जिनदेव के चरणारविंद में चलें तो हमें बीमारी ही नहीं होगी, तो हमें रामदेव की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए कुछ ऐसी ही चर्चा करने के लिए अपने जिनवाणी विराजमान नहीं की है उनकी चर्चा करते हैं। वो चरण आप समझ गए होंगे, इसी तरह से आपको बोलना चाहिए। देखो चर्चा कहां से स्टार्ट करें ये तो मुझे भी नहीं मालूम, अपन जनरल टॉकिंग कर रहे हैं, आपको कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन एक अच्छा तरीका ये होगा कि आप हाथ खड़ा करें और हम आपको पूछने के लिए मौका देंगे। वेरी गुड। देखिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य की ही चर्चा कर रहे हैं, युवा पीढ़ी में स्वास्थ्य की चर्चा। देखो भाइयों सभी लोग ध्यान से सुनना, आज आप सबके मगज में सिर में बहुत गर्मी रहती है। आजकल आपने देखा होगा छोटी छोटी 15-20 साल के लड़कों के बाल सफेद बाल झड़ने लगे, आत्मा सिर में इतनी गर्मी है कि वो एक्साइट रहते हैं, एक्साइट मम्मी पापा ने जरा बोला नहीं और उन्होंने फूंक फांक दिया, समझे गुस्सा कर जाना, सामान फेंक देना, झल्ला जाना, चिल्ला देना। कई बार माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा खराब है, लेकिन सही बात यह है कि उनके दिमाग में गर्मी है। जब आपके दिमाग में अनइजीनेस होता है, जैसे आप देखिए आप रात भर मत सोइए तो दूसरे दिन आपको चिड़चिड़ाहट रही, इसको हम कहते हैं दिमाग में रात भर की गर्मी रही, गर्मी बढ़ गई, इसलिए दिन में आप अच्छे से नहीं बोल सकते, आपको मूड खराब रहेगा, आप झल्लाएंगे, आप चिल्लाएंगे, आप डांट देंगे, आपको हम किसी पिटाई कर देंगे। देखा है आप लोग इस तरह से, मैंने हमें किसी की अच्छी बात ही समझ में नहीं आती, तो इसे हम कहते हैं गर्मी का बढ़ना। मैंने मैं ये समझता हूँ हमारे सारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आज्ञाकारी हैं, लेकिन यदि इनकी नींद प्रॉपर नहीं होती हो तो ये झल्लाएंगे चिल्लाएंगे, समझेंगे नहीं, पोलाइट नहीं रह सकते। तो आपको एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको मस्त लाइफ, फ्री लाइफ जिसको फ्री मूड कहते हैं, एफएम चैनल माने फ्री मूड, यदि आपको अच्छे से रहना है हंसते मुस्कुराते हुए तो आपको समय से सो जाना चाहिए, आपको हर हाल में 9 से 10 के बीच में सो ही जाना चाहिए। आज के समय में सब बच्चों के साथ एक शिकायत है, पूरी पीढ़ी के साथ एक शिकायत है कि उनकी नींद मुश्किल से 5-6 घंटे की होती है, अथवा 8 घंटे की भी होती है तो फिर कैसी होती है कि रात को 2 बजे सोए और उधर 10 बजे उठे, कोई 8 बजे उठा, कोई 7 बजे उठा, कोई 9 बजे उठा, तो ये आपकी बीमारियों का, चिड़चिड़ापन का, मूड की गर्मी का ही मूल कारण है। तो पहला क्या करना चाहिए अपन सबको, 9 या 10 तक तो सो ही जाना चाहिए। अब लेकिन मेरे ख्याल से आप सब मुस्कुरा रहे हैं, 9-10 बजे कोई नहीं सो सकता, क्योंकि 10 से 12 तक तो टीवी देखते हैं या 11-12 बजे तक देखते हैं, जितना भी देखते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो इसमें तो आपको सुधार करना चाहिए, नहीं करेंगे तो 10-20 साल बाद आपको अपने आप सुधार करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर के कहने से सुधार करना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर जल्दी उठ करके इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, भगवान का स्मरण कीजिए, बराबर। अब मुझे थोड़ी सी बात कहनी, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान सुनना, आजकल आप सबका स्नान खराब है, सभी लोग मुश्किल से 2-4 मतलब पानी डाला और नहाकर आके अपने कपड़े बदल लिए, ये आज की 90% बीमारियों का मूल कारण है, आपका स्नान ठीक से नहीं होना। पुराने जमाने में लोग तालाब में नहाने जाते थे तो आधा एक घंटा से पहले निकलने का मन नहीं करता था, कभी आप गए नदी तालाब में कभी, तो आपको उस पानी में खेलने का बड़ा मन करेगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे 1-2 साल के, आप उनके सामने टब में पानी भर के रख दो तो वो बच्चा, आप उसे हटाएं ना पानी से तो भी नहीं हटेगा, वो पानी में छप छप करेगा, कभी उसे पांव डालेगा, कभी हाथ डालेगा, कभी पानी मुंह में लगाएगा, अपने कपड़े गीले कर लेगा, आप देखना। और ऐसा खेलता हुआ बालक आधा एक घंटे से पहले वहां से दूर नहीं होना चाहिए। आपने देखा वो नेचुरली जब पानी बरसता है तो कोई बच्चे घर में नहीं रहना चाहेंगे, मम्मी पकड़ पकड़ के रह जाए और वो चट्टी पहन के भागे। मेरा मतलब है वो उनको पानी से स्नान करने में बड़ा मजा आता है। तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में स्नान सबसे खराब, सभी लोगों के खराब, एक का भी सही नहीं, मतलब अभी समझ लीजिए। और इसीलिए आपके सिर में गर्मी रहती है, आंखों में प्रायः लालामी रहती है,
अब आपकी भाषा में कहें तो पढ़ते समय अनइजीनेस फील होता है आपको, जैसे पढ़ते तो हैं लेकिन इस तरह से पढ़ते हैं क्या करने, कल परीक्षा तो है, परीक्षा तो देनी पड़ेगी, आंख इस तरह से खिंचती चली जा रही है और आप पढ़ते जा रहे हैं। फिर आप जगने के लिए चाय पी लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। मैंने आपने एक बात महसूस की होगी, अनइजीनेस, ठीक है। तो आपको अब स्नान कैसे करेंगे, एक घंटा इतना सा पानी भी नहीं आता हुआ इतना सारा, यदि मंडल खोल के बैठ जाए तो भी मुश्किल है, और रोज बरसात होती नहीं कि रोज बरसात में बैठे। इसके लिए मैंने सरल उपाय सोचा है, आप लोग चाहें तो करके देखें, आपको बहुत मजा आएगा। आप लोग कॉटन के कपड़े अंडरवियर बनियान पहनते हैं, कुर्ता पजामा है आपके पास, तो आप सबसे पहले जितने बजे भी उठ जाएं, 5 बजे, 6 बजे, 5:30 बजे, सबसे पहले बाथरूम में जाकर छन्ना बांधिए नल में, और 1-2 मग्गे पानी से अपने शरीर को गीला कर लीजिए, और गीला करने के बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं तो झाड़ू लगाइए। यदि आप उस समय कुछ स्कूल का याद करना चाहते तो वो गीले कपड़े पहने पहने आप याद कीजिए, टहलिए। यदि आपको पढ़ाई भी नहीं करना है तो आप धार्मिक पाठ करिए, गीले कपड़े हो गए ना आपके, हाथ सुखा लीजिए, 2 मिनट पानी गिर जाएगा सारा, अब गीले कपड़े रह जाएंगे। आप कोई धार्मिक पाठ कीजिए, याद कीजिए, पाठशाला का याद कीजिए। यदि वो भी नहीं करना है, समझिए समाचार पत्र, तो आप समाचार पत्र पढ़िए, टहलिए, झाड़ू पोछा कीजिए अपने घर का, मम्मी की मदद कीजिए। इस तरह से आप आधा पौन घंटा, 1 घंटा तक गीले कपड़े पहनकर गिर रहे हैं, तो आपकी पूरी बॉडी की गर्मी वो ठंडे कपड़े के द्वारा दूर हो जाएगी। अब आपको अनइजीनेस फील नहीं होगा। आप चाहें तो आज ही एक बार केवल हमारे कहने से ऐसा करके देखिए, आपको मजा आए तो आप आगे करते रहिए। आपने एक बात देखी होगी कि गर्मियों में हमें भोजन पचाने में बहुत तकलीफ आती है, खाना खाने का मन नहीं करता, उसका मूल कारण है गर्मी का बढ़ना। उसका मूल कारण क्या है? गर्मी का बढ़ना। ठंडों में आपको भोजन करने की बहुत इच्छा होती है, आपको तला हुआ खाने की भी इच्छा होती है और ज्यादा डाइजेस्ट करते हैं आप, लेकिन गर्मियों में सबसे कम डाइजेशन होता है, देखा है आपने। लेकिन जिस तरह हमने आपको बताया है, ठंडे पानी के प्रयोग, सिर को ठंडा रख लीजिए, सिर पर ठंडे का पानी की पट्टी बांध लीजिए, तो भी लपेट लीजिए, तो आप देखना आपको भोजन बड़ा टेस्टी लगेगा। करके देखेंगे आप ये प्रयोग, इससे आपके 90% बीमारियां नहीं। देखो आजकल एक बीमारी प्राय करके हो जाती है, हो जाती है, क्या कहलाते हैं, डिम्पल्स, क्या कहते हैं, मुहासे, है ना, मुहासे हो जाती है। ये प्राय लड़के लड़कियों को 18, 15, 14, 16 साल के बाद प्राय होने ही लगते हैं सबको। इसका एकमात्र कारण है बॉडी का टेम्परेचर हाई होना। ये बॉडी का टेम्परेचर हाई होकर के ये ब्लड को खराब करता है, खून की गर्मी इसको बन कहते हैं, ब्लड की गर्मी, ये खून गर्म करता है। खून जब गर्म होता है तो उसमें विकार एकत्रित होता है, और वह विकार जब कहीं नहीं निकल पाता है तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको फोड़े फुंसी होती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के, आप देखो इनकी बॉडी पैरों में फोड़े फुंसी बहुत होंगे। कई बार बड़े लोगों के लिए बाल तोड़ कहलाता है, बाल तोड़ हो गया। इसका एकमात्र कारण है आपका स्नान ठीक नहीं। एक बात समझ गए आप लोग, तो आपने देखे छोटे छोटे बच्चों को फोड़े फुंसी हो जाती है, और बड़े लोगों को बाल तोड़ हो जाते हैं, और एक मुहासे हो जाते हैं। इन सब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 1 पैसे की दवाई नहीं करना है आपको फोड़े फुंसी के लिए, कुछ नहीं करना है। केवल आपको मैंने जो स्नान का तरीका बताया है आप उसे करिए, बस और कुछ नहीं करना है। अब मान चलिए जिन्हें हो भी गए उन्हें क्या करना, उन्हें भी तरीका तो यही है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयोग और करने चाहिए। एक्स्ट्रा का मतलब यह है ठंडे पानी का जो कपड़ा हो इसको आप इस तरह से 2 मिनट तक गर्म पानी का सेक लीजिए, हॉट वाटर पैक इस तरह से ले लीजिए, और 1 मिनट तक ठंडे पानी का लीजिए। आंखों पर गर्म पानी कभी नहीं लगाना, कभी भी भूलकर हार्ट पर और आंखों पर गर्म पानी का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, आंखों पर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और सिर पर भी गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिर्फ ऑटोमेटिक ठंडा होना चाहिए आपके पास, इसलिए उसे गर्म नहीं करना। तो ये समझ गए आप लोग, केवल क्या करना है आपको, 2 मिनट तक गर्म, 1 मिनट तक ठंडा, ऐसे 3-3 बार कीजिए, आपको चेहरे की सारी फुंसियां 2-4 दिन में गायब, और सप्ताह में 1 बार करते रहिए तो नई नई होगी। लेकिन जिन्हें हो गई हो 5-7-8-10 दिन तक लगातार करो, इसके बाद कभी करने की जरूरत नहीं। सबसे सुंदर समझ लो फ्री फोकट की दवाई। एक बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको, मिट्टी, पानी और हवा सब रोगों की एक दवा। सब रोगों की कितनी दवाई है,
एक मिट्टी, पानी और हवा। अब कहां से शुरू करें? मिट्टी से। मिट्टी पानी, पानी के तो अपने बताई दिया आपको, ठीक। अब मिट्टी की बात लीजिए। देखो आप लोगों को एक बहुत अच्छा विश्वास है कि साबुन से स्नान करो रोजाना। विदेशों में साबुन का इस्तेमाल बंद होता जा रहा है, वहां उसको मड थेरेपी कहते हैं। मड थेरेपी, मड माने कीचड़। अभी आपने कल परसों एक फोटो देखा होगा समाचार पत्र में, पूरे ओलंपिक के गेम उनके कीचड़ में, कीचड़ तो कीचड़ में फुटबॉल खेल रहे हैं, कीचड़ में दौड़ कर रहे हैं, कीचड़ में जो कुछ करना है सारे कीचड़ के गेम खेलते हो। जानवरों के पास हॉस्पिटल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं, लेकिन उनके पास कीचड़ है। आप देखना कुत्ता गर्मियों के दिनों में कीचड़ में जाके गटर में जाके घुस जाए, सुअर तो कीचड़ में रहता ही है, बड़ी बड़ी भैंस तालाब की कीचड़ में आके दिन भर बैठी रहती है आराम से। माने जब इन्हें कोई बीमारी होती है ये मिट्टी और पृथ्वी की निकट में रहती है, इनके सारे रोग दूर हो जाते। हम आपसे भी चाहेंगे कि आप यदि थोड़ी सी मॉडर्निटी छोड़ दें तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपकी शरीर में गर्मी नहीं रहेगी। आपको केवल एक चीज का प्रयोग करना है, मिट्टी मुल्तानी मिट्टी है या फिर समझ लीजिए काली मिट्टी आती है, लेकिन काली मिट्टी में खाद नहीं हो ये ध्यान रखेंगे। दो चार फुट नीचे से मिट्टी लेकर के जमीन में खेती में से उस मिट्टी से स्नान करें। आपको आप एक दिन करके देखें, उसके सामने आपको क्या लगता है? शैम्पू। शैम्पू कुछ नहीं लगेगा उसके सामने, साबुन कुछ नहीं लगेगा उसके सामने। आप एक बार प्रयोग करके देखें। यदि इसमें थोड़ा और एंजॉय करना हो आपको तो नींबू की चाट से बूंदे कभी हाथ में लेके आप चेहरे पे लगाइए और फिर पानी से धोइए। ये सारे जितने आप कहते हैं ना कहाँ की साबुन आती है 25-50 सौ रुपए वाली, उनके आगे कुछ नहीं, नींबू की चार बूंदों के आगे। मेरा मतलब ये है कि ये अपने को प्राकृतिक भी है और स्वास्थ्य वर्धक भी है। हालांकि आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा कि क्या हेल्थ की बातें लेकर बैठ गए, नाना धोना आदि, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। ये हमारा चरणानुयोग इतना समुन्नत है, हम अपने चरणानुयोग का अध्ययन नहीं करते। हमें विज्ञान का विश्वास है, डॉक्टरों का विश्वास है, वो है जो कहते हैं कि मिट्टी लगाओ तो हमें मिट्टी लगाने का विश्वास है, तो हम उनके साथ तो भागते हैं। मैं चलो आज रामदेव का बड़ा गुड लक है, उनका बड़ा फेम है, बड़ा नाम आ रहा है उनका, तो हम उनके पीछे चले जाएंगे। लेकिन हमारी जिनेंद्र देव ने कोई बात नहीं छोड़ी। आपको एक बात जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, बताओ आपने दिगंबर मुंजाल को कोई हार्ट अटैक सुना है? ब्लड प्रेशर सुना है? सन स्ट्रोक सुना है? सन स्ट्रोक की लपट लग गई महाराज जी को, आपने कभी सुना है? उन्हें शीतलहर लगी दिसंबर जनवरी की, इतनी कड़क ठंड में भी उन्हें शीतलहर देखी आपने कभी? जबकि वो नग्न दिगंबर, आप इतने कपड़े पहन करके भी शीतलहर लगती और उन्हें नहीं लगती। जितने बीमार आप होते उतने दिगंबर मुंजाल नहीं होते। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि हमारा दिगंबर जैन धर्मों का धर्म का जो चरणानुयोग है वो ऑटोमेटिक मेडिकल साइंस है। क्या साइंस है? क्या है वो आप समझ सकते हैं? तो अब ये बात हुई, तो स्नान करने का तरीका समझ आ गया आपको? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? एक आध बार ट्राई करके देखिए। अभी और देखिए, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी आंखों में जलन होने लगती, पानी गिरने लगता है कई बार, ये पढ़ते पढ़ते सिर भारी हो जाता है, इतना सिर भारी हो जाता है, अनइजीनेस जिसको हम कहते हैं, अनइजीनेस होने लगती है। आजकल तो एक और समस्या है, आप कंप्यूटर पर पढ़ते हैं, यदि आप कंप्यूटर चलाते तो आपने देखा होगा जब अपन कंप्यूटर से हटते हैं तो आंखें बहुत भारी हो जाती है। उसका भी तरीका समझ लीजिए, आप टेलीविजन आधा घंटा एक घंटा देखें या कंप्यूटर चलाते हो या इस तरह कोई काम करते हो लगातार किताब में आंख गड़ाकर पढ़ते हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक रुमाल उसको इतना चौड़ा खींचे, देखिए समझो, तब उसे ठंडे पानी में डालकर एक कपड़ा रखिए। आप सबको कह रहे हैं, हमने सब पहले ही बताया था आपको कि ठंडे पानी का एक कुछ उसमें रखिए, इस तरह से कपड़ा लेकर के, यदि आप एक घंटा लगातार आधा घंटा लगातार टीवी या कैमरे को क्या करते हैं कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपकी आंखें निश्चित रूप से कुछ भारी होती है। आप 2 मिनट के लिए इस तरह चौड़ी पट्टी लेकर आंख पर रख के और 2 मिनट के लिए इस तरह से यदि आप कर लें तो आप 2 मिनट बाद करके देखेंगे आपकी आंखों को कितना आराम मिलता है। अभी देखो 100% कंप्यूटर चलाने वालों को 25-30 की उम्र तक आते आते चश्मा लग जाता है। उसका कारण है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जो भित्तियां होती हैं पुतली होती हैं आंखों की, ये बहुत कमजोर होती है। और आजकल तो KG1 है, वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड 1, और वहीं से कंप्यूटर, और लोग बड़े खुश होते हैं, मेरा बेटा तो कंप्यूटर सीख रहा है। इसलिए बच्चे की आंखें अभी कमजोर हैं,
और इतनी कमजोर आंखों पर वो जो वॉयलेट इंफ्रारेड क्या क्या रेड किरणें होती हैं आपकी, बस सारी सारी जब किरणें उसकी आंखों पर जाएंगी तो कितना इफेक्ट होगा उसे। आप अपने बच्चों के आंखों पर चश्मा चढ़वा रहे हैं समझ लीजिए, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते आप पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, लेकिन आंखों पर ठंडे पानी का प्रयोग कर सकते हैं। समझ आ गए सबको? चलिए दो बात हुई। ऐसे ही हेड वॉश, हेड वॉश, हेड वॉश का मतलब है कि आप चार पांच बार दिन भर में, यदि आप पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं काम ज्यादा कर रहे हैं आपका सिर भारी हो जाता है, सिर गर्म होता है, इससे बाल उखड़ने लगते हैं, बाल कमजोर हो जाते हैं, आप जरा हाथ फेरें साबुन लगाएं हाथ से पानी से नीचे से करें बाल आ जाते हैं। बहुत सारे 80% लोगों में बाल बहुत झड़ते हैं, थोड़े समय बाद इतने शर्मिंदा होते हैं कि हमारे बाल बिल्कुल कमजोर हो गए, अब क्या करें, फिर डॉक्टरों के चक्कर खाते हैं हमें कोई ऐसी दवाई दो या कोई शैम्पू दो या कोई तेल दो, जबकि कुछ नहीं करना है आपको, केवल आप चार पांच बार हेड वॉश कर लें तो आपके बाल बढ़िया रहेंगे, आपका सिर भी ठंडा रहेगा, क्योंकि ये सब सिर की गर्मी से होते हैं सारा काम। उससे बढ़िया एक बार आप 10-5 मिनट मिट्टी लगा के छोड़ दें, सुबह स्नान करके लैट्रिन जाने के पहले लगा लीजिए, लैट्रिन जाइए आइए थोड़ा और टहलिए, इसके बाद धो लीजिए, आपके बालों की कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा मतलब यह है कि चरणानी के अनुसार हमारा प्राकृतिक जीवन हो तो हमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इसमें कोई कठिन चीज तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस समय कोई पूछना है किसी को जल्दी से? नहीं, आगे चलिए मैं। अब देखो एक और बहुत बढ़िया चीज, खान पान के मामले में थोड़ा सा बताइए। खान पान देखो, एक तो छिंदवाड़ा में भी मुझे एक कमी बहुत दिखी, हालांकि पूरी वर्ल्ड में है वो कमी, लेकिन छिंदवाड़ा में भी है। मुझे इस मामले में केवल इस बार कलकत्ता में आनंद रहा, मतलब वो है मोटा आटा। यहाँ पर सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में बारीक आटा खाइए, वो बिल्कुल पतली रोटी फुग्गा जैसी हो जाती है, वो कागज जैसी, और फिर देख के इतनी खुशी होती, तसल्ली मिलती, कितनी बढ़िया रोटी है। लेकिन आज 99% को गैसेस ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये जितनी बीमारियां हैं ये आपकी मैदा पतले आटे की रोटी की कृपा है सारी। ये बहुत खतरनाक चीज है, हो सके तो माताएं थोड़ा मोटा आटा इस्तेमाल करें, छान करके चोकर होती है चोकर का इस्तेमाल करें भोजन में, तो आपको पेट संबंधी कोई बीमारी ना हो। चल वो भी नहीं सुधार सकते अपन, सुधर जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं सुधर सकता तो एक काम आप कर सकती हैं। बच्चों में प्राय एक कमी बहुत है कि बच्चे फल खाना पसंद नहीं करते, सलाद खाना पसंद नहीं करते, दाल रोटी खा लेंगे, चटनी की तरह सब्जी खाएंगे, बिल्कुल जरा सी कभी कभी तो शक्कर से रोटी खा के चले जाएंगे। मेरे को एक बात याद आई, सभी लोग नोट करना बेटे, सभी लोग आप लोग कभी दूध रोटी छाछ रोटी गला करके मसल करके और जल्दी जल्दी घुटक कर फटाफट चार छह रोटी, ये काम मत करना, एक एक बात। दूसरी बात, एक जो चावल जो बहुत बॉइल हो जाता है ना, बहुत बॉइल चावल जो चिपक जाता है, उस चावल को तो गाय को भी नहीं खिलाना चाहिए, अपन तो खाएं नहीं, मैंने गाय को भी नहीं खिलाया, नहीं तो उसका पेट में चिपक जाएगा, हो जाके सारा चावल। जो चिपकने वाला चावल अपन खाते हैं दलिया, वह चिपका हुआ बनता ना बिल्कुल, दलिया हो या चावल हो एक एक दाना अलग अलग हो और वह आप खाएं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। नहीं तो क्या करता है, आते इतनी इतनी पतली होती है, आते बहुत पतली होती है और इनकी अंदर की बनावट देखी है आप लोगों ने, 7वीं 8वीं देखी होगी, अंदर की बनावट ऐसी होती है, इस तरह ऊपर से इस तरह दिखती है, प्लेन अंदर की साइड इनकी बनावट ऐसी होती है, देखिए आप। तो इसमें कारण क्या है, यदि सीधी होती तो आपने पानी पिया तो सीधा पाइप की तरह चला जाएगा, भोजन आपने किया सीधा पाइप की तरह चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, इस तरह की बनावट अंदर से होती है। आप कल्पना करो आपने वो चिपका हुआ चावल खाया और पानी कम पिया या पानी नहीं पिया, सलाद नहीं ली, तो वो भोजन आगे चिपकेगा। अब जब चिपक गया तो सड़ेगा, सड़ेगा तो उसमें बदबू निकलेगी और वो बदबू निकलेगी तो गैसेस ट्रबल बन गई, वो एसिडिटी बन गई, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी यहाँ। अब कोई गैस आपको चक्कर देगी, आपने कई बार देखा हो जिनका पेट साफ नहीं होता उनका सिर दर्द होता है, वो जो गंदी गैस बन रही ना सड़ा हुआ भोजन, वो उसकी गैस से सिर दर्द हो जाएगा। यदि आप फेफड़ों में जाए तो फेफड़ों में दर्द हो जाएगा, है समझ में? फिर से देखा हूं तो अब भोजन आप अच्छे से करिए, चबा चबा के करिए, ठीक कैसे करना है चबा करिए, साथ में एक और सब्जी खाओ, एक और रोटी खाते हो
तो सलाद का एक पीस जरूर खाओ, ककड़ी का या जो भी कोई फल है आप पे जरूर खाओ आप, ताकि वो मिक्सअप हो जाएंगे। मिक्सअप हो जाएंगे तो अब चिपकने का अवसर नहीं बचेगा। जैसे मान के चलिए एक काम करिए, आप बारीक आटा आपके घर में है, आप गीला हाथ आटे पर लगाइए और थोड़ी देर बाद ऐसा कीजिए, अब उसे हाथ से छुड़ाइए, आप छुड़ाइए। जैसे महिला रोटी बनाती है तो वो आटा चिपक जाता है पनात में, इन्हें मालूम है सूखने के बाद निकालने में कितनी मुसीबत आती है, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। हाथों में चिपका हुआ आटा निकालने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे अंदर हाथों के अंदर जब वो चिपक जाएगा तो सारी बीमारी का कारण बनेगा। इसलिए अपन अच्छे से चबा चबा सलाद के साथ भोजन करें। ठीक, अब आगे चलिए। एक बहुत अच्छी बात मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं जिसमें, और वो गलती है प्राय करके बच्चे लेटरिन जाने में बड़ा आलस करते हैं, ठंडों में तो और ही ज्यादा आलस करते हैं। हमारे खनिया थाना में जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं 50 बच्चे, हमने उनमें ये बात बहुत देखी, वो दो दो तीन दिन तक जाते ही नहीं। किसी से पूछे क्यों आप कितनी बार जाते हो, तो बोले दो दिन में एक बार, कोई बोलेगा एक दिन में एक बार। लेकिन इस बात को मैं समझाना चाहूंगा सभी के लिए, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखो आप उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, आप उसको अच्छे समझिए। देखिए एक बात बताइए, छिंदवाड़ा से भोपाल एक ट्रेन सुबह जाती 6 बजे तो शाम को 6 बजे पहुंचती है, और एक ट्रेन शाम को जाती है यहां से, तो वो भी कब पहुंच जाएगी, शाम को ही कब पहुंचेगी। समझ गए दृष्टांत, दृष्टांत समझ गए। जो ट्रेन सुबह 6 बजे चलेगी वो शाम को 6 बजे पहुंचेगी, और जो शाम को जाएगी वो सुबह पहुंचेगी। तो हमें ये तो बताओ कि आपको दोनों टाइम का भोजन एक समय एक साथ भोपाल कैसे पहुंच जाता है। आपको मैंने निश्चित रूप से एक टाइम का भोजन कहीं ना कहीं ब्लॉक करेगा आपको, कहीं ना कहीं हैरान करेगा आपको, और आपको ऐसा लगता है आपको हमें कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या बताएं आपको, मैं अभी अच्छा नहीं लगता भरी सभा में भी बताऊं उन बीमारियों के नाम बताऊं जो बीमारी इनसे होती है। पेट दबाना पड़ेगा फिर आपको, फिर ताकत लगानी पड़ेगी, और फिर इससे इतनी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं जिनके नाम आप पढ़ लेना, या जेंट्स जेंट्स होते तो हम बताते हैं आपको, इतनी गंदी बीमारियां हो जाती, फिर ऑपरेशन कराओ, फिर जिंदगी भर दवाइयां खाओ। लेकिन एक सिंपल सा गणित है, आप दो टाइम खाओ और दो टाइम जाओ। क्या कहा, क्या बोला, क्या करना है आपको, हाँ बोलो बोलो बोलो, बहुत सिंपल सा गणित है, समझ गए आप लोग। अब एक बात और सुनिए, एक बात और सुनिए। देखो माता पिता की बातों का ध्यान रखिए, बहुत बहुत ध्यान रखने की बात है। देखो अभी मैं आपसे कहूं तो आप में से 90% लोग बीमार हैं। अब जो बच्चे हैं थोड़ा इसलिए नहीं पता नहीं लगता, लेकिन जो 15-25 साल से ऊपर हो गए उनका पाचन, गैसेस, सिर दर्द, इस तमाम बीमारियां, इस समय एक बीमारी बहुत हो रही है, सभी को सुन लो। बड़े बुजुर्गों में आपने देखा होगा घुटने नहीं मुड़ते, कमर नहीं मुड़ती, एक नाम सुना होगा स्लिप डिस्क। एक जमाना था भारत में किसी को भी स्टैंडिंग कमोड की जरूरत नहीं पड़ती, कमोड समझते हैं, जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तो नीचे बैठ ही नहीं पाता आदमी, चले आए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, इसका मतलब है आपकी बॉडी में कैल्शियम कम बन रहा है। तो आज के डॉक्टर क्या करते हैं, कैल्शियम की दवाई लिखती है, आप कैल्शियम दवाई खाओ। लेकिन आपको वैज्ञानिक रिपोर्टें हैं कि आपको कैल्शियम नहीं खानी। कैल्शियम बैलों की हड्डियों से बनता है, जानवरों की हड्डियों से बनता है कैल्शियम। कैल्शियम माने सीधे बोन प्रोडक्ट, बोन है ना, बोन बैक बोन होती है, बोन होती है, ये बोन प्रोडक्ट है टोटली। हम जैन हैं इसलिए हम कैल्शियम नहीं खा सकते। लेकिन एक बहुत अच्छी बात बताएं, बॉडी में इतनी अच्छी मशीन है कि ये ऑटोमेटिक कैल्शियम बनाती है, जिस जिस चीज की जरूरत है वो सब इसमें बनती है। लेकिन आपको क्यों नहीं बनती, क्योंकि आप टाइम से सोते नहीं, टाइम से जागते नहीं, टाइम से खाते नहीं। खाते हैं तो फिर एक साथ इतना खा लेते, जैसे गर्मी के दिन है किसी बच्चे को प्यास लगे और ठंडा पानी मिल जाए तो कितना गिलास पानी पी लेते हैं, एक गिलास, दो गिलास, और कोई भी जरूरत पड़ जाए तो 3 गिलास, और वो भी कैसे पी जाते हैं मालूम, देख लो इस टाइम मैंने एक सांस में पूरा पानी पी जाते हैं, और उसको बड़ा वो समझते क्या समझते, देख देख एक बार भी मैंने रोका नहीं, देख ध्यान से सुनना, देखो इधर देखो हमारी तरफ, ये आपकी आपको पता नहीं है,
आपने देखा होगा जब दो गिलास पानी पी लिया तो पेट तो फूल जाता है और गला सूखा रह जाता है, दो तीन मिनट बाद फिर प्यास लगती है, लेकिन पानी पेट में बहुत ज्यादा हो गया है, पेट फूल गया, स्टोमक बढ़ गया लेकिन गला सूखा है। ध्यान रखना, पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका है, पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका है आप चुस्की लेकर धीरे धीरे पानी पिए, जैसे गर्म गर्म दूध पीते हैं ना, थोड़ा थोड़ा लेकर पीते हैं, इसी तरह आप ठंडा पानी भी धीरे धीरे चुस्की लेकर पिए तो आपको कभी कोई भी ये जो तकलीफ है, कम पानी में प्यास बुझेगी, कम पानी में प्यास बुझेगी तो सब ज्यादा पानी पी लें तो क्या नुकसान, जैसे एक ग्लास किया वैसे चार ग्लास में क्या फर्क पड़ता है, तो उसका फर्क मैं बताता हूं। सभी लोग मेरी ओर देखना, मैं आपको एक लेबोरेटरी टेस्ट करा रहा हूं। हमारी बॉडी में हमने सब भोजन करते हैं, घी दूध दही सब्जी रोटी जो भी बादाम जो कुछ भी खाते सब आपने खाया, लड्डू ठीक है अपने सब खाए। अब जैसे अपन भोजन करने के बाद उठ जाते हैं तो यहाँ फर्मेंटेशन काम शुरू होता है, उसमें अंदर कुछ प्रोसेस होती है, मालूम है वो प्रोसेस होगी, उसमें से क्या होगा जूसेस तैयार होंगे, जो भोजन हमने किया था उसका जूसेस तैयार होंगे, जूसेस से ब्लड बनता है, विटामिन तैयार होते हैं, वो प्रोटीन वगैरह तोड़ते हैं, मैंने वो सारा काम चलता है, उसमें सब धातु बनती है अपनी बॉडी की, है ना, उससे हड्डियां मजबूत होती हैं आदि आदि, कैल्शियम वगैरह सब उससे बनता है। अब मेरी ओर देखने जरा, एक मिक्सी के अंदर हम सारा भोजन डालते हैं, सुनना क्या कह रहे हैं हम, मिक्सी के अंदर भोजन और मिक्सी को ग्राइंड कीजिए आप चलाइए, क्या हो जाएगा सारा भोजन मिक्स होकर उसका जूस तैयार हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसमें आप तीन चार ग्लास पानी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, अब फिर मिक्सी चलाइए, तो सारे जो पोषक तत्व हैं उसके, घी है मटेरियल है पोषक तत्व है, वो सब कहाँ जाएंगे, तेल तक ऊपर, अब उसे सब निकाल देंगे, बाहर निकाल दीजिए, थोड़ी देर बाद आप अंदर देखिए जो रूखा रूखा भोजन बच गया, जैसे गन्ना रस निकालने के बाद बचता है ना, ऐसा रूखा तत्व बच गया भोजन का, ये भोजन का जो रूखा तत्व बच गए ना ये खतरनाक है, ये कॉन्स्टिपेशन करेगा, और वो जो जूसेस बन के निकल गए वो यूरिन बन के निकल जाएगा, समझ आ गया होगा आपको। बस इसीलिए आपको ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, जब पानी पिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पिए, पुराने जमाने में ऐसा कहते थे भोजन को पियो और पानी को खाओ, क्या कह रहे क्या क्या कह रहा, भोजन को पियो पियो, समझिए रोटी को कैसे पिए, मैंने रोटी को इतना अधिक चबाओ वो जूस मुंह में बन जाए और फिर पियो उसे, और पानी को एक एक घूंट इतना चबाओ इतना मुंह में घोलो ये जैसे हम रोटी चबा रहे हो, और फिर उसे खाओ खाओ मैंने उसे पियो, मैंने ये स्टाइल, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सब बातें हैं तो छोटी छोटी, समय समय पर आपको मम्मी पापा भी बताते होंगे, समाचार पत्र में भी पढ़ते होंगे, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है। एक बार अपने धवल जी रामदेव के पास गए थे, जब यहीं आए थे रामदेव, पिछली बार जब मैं आया था ना तो रामदेव यहाँ पर आए थे, याद है आपको, और धवल जी मिलने गए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी धवल जी से कि जैनियों को यहाँ आना पड़ता है, ये आश्चर्य, क्या बोला था, जैनियों को हमारे पास आना पड़ता है, आपके चरणानियों के ग्रंथों में तो सब कुछ है, आपके दिगंबर मुनिराजों ने इतना बढ़िया शोधन किया है, इतनी बढ़िया खोज की है, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं जगत में। मैंने याद है कि टेलीविजन के भाषण स्पीच में भी उसने ये बात कही, महावीर भगवान का स्मरण किया उसने। मेरा मतलब ये कहने का, हम अपने ग्रंथों से दूर हैं, हम अपने स्वाध्याय से दूर हैं, तो आज हमें बाहर झांकना पड़ा स्वास्थ्य के लिए, और नहीं तो हम में से कोई भी ईमान ना हो, बराबर। अब देखिए एक और मैं आपको बात याद दिलाऊं, शायद नए नए बच्चों को मालूम ना हो, शायद बड़े जो लोग हैं न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उन्हें वो बात मालूम होगी। रामदेव नाम सुना है, रामदेव, रामदेव का नाम सुना है आपको मालूम है, रामदेव आलू नहीं खाता, प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता, आपकी वो बैंगन वगैरह नहीं खाता, रामदेव इन चीजों को खाता नहीं है, इतना ही नहीं वो इनके खाने पर रोक लगाता है, उसके जो प्रोग्राम होते हैं ना बड़े बड़े प्रोग्राम जिसमें 25-25 हजार लोग आते हैं, 5-5, 10-10 हजार, 25 हजार, उसमें वो भरी सभा में कहता है, लिमका के लिए क्या बोला उसने, कोल्ड ड्रिंक के लिए क्या बोला उसने, टॉयलेट क्लीनर, सुना हुआ क्या बोलता है वो, टॉयलेट क्लीनर, समझते हो, मैंने अपने जो लेटरिन का पॉट होता है ना वो धोने के काम का, उसने सुनाई नहीं सबको, अखबारों में आपने पढ़ा होगा,
वो सबको मना करता है, यदि आपको योगा प्राणायाम से लाभ लेना है, स्वस्थ रहना है, तो आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करिए। तो आप पूछ सकते हो कि रामदेव लहसुन प्याज क्यों नहीं खाता, आलू क्यों नहीं खाता, गाजर नहीं खाता, क्यों नहीं खाता, मालूम क्यों नहीं खाता? वो उसने तीन तरह का भोजन बताया है, एक सात्विक भोजन, एक राजसिक और एक तामसिक। तामसिक समझते, तामसिक, तामसिक बना तम, तम माने अंधेरा, तम माने अंधेरा, जमीन के नीचे क्या होता है, अंधेरा। तम में उत्पन्न हो, तम में उत्पन्न हो, उसका नाम तामसिक भोजन। तम माने अंधेरे में उत्पन्न होते हैं आपकी जमीन का, उसको बोलते हैं तामसिक। और उन्हें खाने से आपकी बुद्धि तामसिक होती, माने आपका अज्ञान बढ़ता है। ये उसी का कहा हुआ लिखा हुआ बता रहा हूं मैं आपके लिए। तो याद दिलाने की इतनी बात है कि एक हिंदू होकर के वो जमीकंद नहीं खाता, और हम क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, अरे साहब को तो मॉडर्न लीजिए, और हम उसे फेवरेट समझते हैं। तो इन बातों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम जैन हैं, दूसरे लोग हमारे धर्म का लाभ उठा करके आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम अपने ही धर्म का प्रचार प्रसार तो नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने ही धर्म को क्षति पहुंचाते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, उसकी संस्कृति की रक्षा हमें करनी चाहिए। समझ में आया इतना? चलिए अब दूसरी बात शुरू करते हैं अपन, ठीक है? सुनो, मुझे मालूम है आप थोड़ी देर बाद बहुत सारे प्रश्न करेंगे, मैं अभी से कहता हूँ, आप सभी बीमारियों के यही उपाय हैं। लोग मेरे पास अलग अलग आते हैं, इस बीमारी में क्या करें, इस बीमारी में क्या करें, तो सब बीमारियों में आपको एक ही काम करना है, जो तरीका बताया केवल उतना ही तरीका सुधारना है। एक और चीज, एक दमा नाम की बीमारी सुनी है आपने, दमा अस्थमा, दमा अस्थमा नाम की बीमारी सुनी है? आजकल इसकी दवाई मार्केट में आपने सुनी होगी कभी कभी, छोटी सी मछली के अंदर दवाई रख करके देते खाने के लिए, जिंदा मछली के अंदर, मछली के अंदर रख के दवाई देते हैं। मैं उसकी दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, देखना जरा, पशुओं में किसी को भी दमा नहीं होता, लगभग 99% की बात सही है, पशुओं में किसी को दमा नहीं होता। ध्यान से सुनना सभी लोग, श्वास की बीमारी, फेफड़ों की कमजोरी, श्वास नली में सूजन, ये सब दमा के लक्षण है, पर ये दमा माता जी की कृपा से होता है। समझ गए, माता जी की कृपा, माता जी की कृपा क्या है कि हमारी माताएं, जरा जुकाम हुआ, जरा बच्चा ठंडे में नहा लिया, जरा उसे सर्दी हुई, और फौरन उसे लौंग का और सौंठ का पानी बनाकर दे देती है, जिसको हम अपने घरों में काढ़ा कह देते हैं, उबाली कह देते हैं, जरा उन्होंने दूध में काली मिर्ची, सौंठ और लौंग डाल के दे दी। आपको सुनना ध्यान से, किसी को भी कभी सर्दी हो जाए, छींक आ जाए, जुकाम हो जाए, आप उसमें 1% भी लौंग मत लो, काढ़ा मत लो, जुकाम मत, जुकाम रहने दो, 3-4 दिन जुकाम रहेगा, 10-15 मिनट छींकें आएंगी, लेकिन आपको अस्थमा कब भी नहीं होगा जिंदगी। और हमारे घरों में प्राय करके बहुत होता है, कई लोग कहते हैं हमारा जुकाम बिगड़ गया, लगातार वो जुकाम चलता ही रहता साल साल भर, हम वो इसलिए चलता है, जैसे ही आप कभी फल लेते हैं बैठ जाए, जैसे ही आप कोई फल लेते हैं, जैसे ही आप नींबू का शरबत लेते हैं, सोई आपको छींक आने लगी। तो आपको क्या कहता है डॉक्टर कि आपको नींबू से एलर्जी है, डॉक्टर के पास जाओ तो कहते नींबू मत खाना आप, क्योंकि आपको छींक आने लगी तो एलर्जी हो गई। जबकि नींबू कभी भी आदमी का दुश्मन नहीं, कोई भी फल, एक भी फल आदमी का दुश्मन नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि नींबू खाने पर आपको जुकाम हो जाएगा, ये बात जरूर है कि जब आप अनार का रस खाएंगे, अनार खाएंगे, कुछ करेंगे, तो आपको सर्दी हो जाएगी। तो सर्दी होना कोई एलर्जी नहीं समझिए आप, आप केवल एक काम करना है कि आप क्या करेंगे, लौंग और सौंठ का प्रयोग नहीं करें। अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको साइनस प्रॉब्लम है, साइनस, हड्डी बढ़ गई है। ये हड्डी इसीलिए बढ़ती है कि आपने जुकाम को रोका है, और वह लौंग और सौंठ के द्वारा या गर्म चीजों के द्वारा। आप कभी भी मत करना जुकाम को 3-4 दिन में निकल जाने देना, बल्कि और ऊपर से नींबू पीना, जब जुकाम हो जाए तो क्या पीना, हाँ, नींबू की सिकंजी, ताकि वो और जल्दी निकल जाए। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको, मैंने प्रॉब्लम फेस की, मैं बताता हूँ आपको। प्रडालो वाले मेरे को दिसंबर के महीने में
प्रवचन करने के लिए ले गए 25 दिसंबर को, छुट्टियां होती थी उस समय, ले गए। उस समय बहुत जमकर ठंड थी और मुझे बहुत जमकर जुकाम था, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। तो जो मुझे ले जाने वाले थे उन्होंने मुझसे एक बात कही, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, आपको एक सेकंड के अंदर जुकाम ना ठीक कर दे तो आप एक भी प्रवचन मत करना। तो मुझे बहुत वो लगा, भैया चलो तो फिर ठीक है भैया क्या करें। तो मैं जुकाम में इतने तेज जुकाम में चला गया उनके साथ, और दूसरे दिन सुबह उन्होंने मुझे एक गिलास दूध में कम से कम 14-15 लौंग बॉइल करके और मुझे दिया, और उसको मैं 2-3 घूंट पीते थे मेरा जुकाम साफ। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा जी बढ़िया दवाई मिल गई। लेकिन उस दिन के बाद मुझे 3 महीने तक सूखी खांसी हो गई, क्योंकि जितना जुकाम निकलना था वो सारा फेफड़ों में जम गया और मेरी श्वास नली में सूजन। खांसी का मतलब है श्वास नली में सूजन, एक ही मतलब होता खांसी का, और कोई मतलब नहीं होता आपकी श्वास नली में सूजन। अब मैं खींच खींच के परेशान, और रात को सोने में बहुत तकलीफ आती, खांसी में सूखी खांसी बहुत तकलीफ आती, उस समय नींद नहीं आती और पकड़ करके और खांस खांस के हैरान। मेरे को 3 महीने लग गए, और तब मैंने भी अपना अनुभव मैंने पूरा समझा है। तब से मैं ये कहता हूं, भूल करके भी आप गर्म प्रकृति की चीजें मत लो। मत घर में महिलाएं और भी टोट के करती, टोट के मतलब जैसे गर्म गर्म पूड़ी खिला देंगे, ओके पानी मत पीना, गर्म गर्म भजिया खिला देती है, पानी मत पीना, क्यों ये जुकाम से नहीं जाएगा। लेकिन आप पानी पीना भैया, जुकाम आपको रोकना नहीं है, जुकाम आपको निकालना है। अब आगे देखो, जिनको सूखी खांसी हो गई, अभी भी आप गलत प्रयोग करते जाएं तो फेफड़े की टीबी हो जाएगी, आप पीलिया की बीमारी हो जाएगी, ये सब बीमारियां होती हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आप इसी वे में रहिए और नींबू का जूस 12 महीने पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जुकाम हो तो जरूरी पीजिए। हालांकि आपकी मम्मी नहीं पीने देंगी, मुझे मालूम है आपकी मम्मी मेरा विरोध करेंगी, वे ही कहीं मर गए वैसे ही तो मोड़ा है जुकाम हो रहा है। लेकिन मैं आपको ऐसी बुक्स है हमारे पास जो बहुत स्टडी करने के बाद हम आपको ये बात बता रहे हैं, आप नेचुरल रहिए, समझ आया ठीक। हाँ भैया, शरीर में कैल्शियम का निर्माण और उसकी कमी पूर्ति की हुई प्रश्न आ गया, मैं पहले ही बता रहा था कि अभी प्रश्न आने ही वाले हैं, बस ढेर हो। सबसे ज्यादा तकलीफ वो मन होता है ना, साइटी का प्रॉब्लम, बॉन प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम। इस मामले में एक बात कहता हूं आपको, जो लोग भोजन करने के बाद परिश्रम नहीं करेंगे उन्हें कैल्शियम कम बनेगा, कैल्शियम की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे मान चलिए अपने लिफ्ट बन गई, तो अब जो लोग लिफ्ट से जाएंगे उन्हें कैल्शियम की कमी आएगी बॉडी। आजकल क्या हो गया देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना सभी लोग। आजकल महिलाएं पहले बैठ करके कपड़े धोती थी, बैठ करके पोछा लगाती थी, मसाले कूटती थी, चक्की से आटा पीसती थी, तो इनमें से 1% महिला को कैल्शियम कम नहीं होता था। पुराने समय की महिलाओं की बात कर रहे हैं, अब अभी क्या हो गया है, स्टैंडिंग किचन, उसमें भी भोजन बनाने वाली है क्या कहना चाहिए, नौकरानी की मदद, कपड़ा मिक्सी की मशीन, क्या कहलाती मिक्सी नहीं, वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोके वॉशिंग मशीन में, पोछा लगाने के लिए आ गए वो कंप्रेसर, वैक्यूम क्लीनर, कपड़े धोने नहीं है, कूटने हैं नहीं, कुछ काम बचा नहीं, मेहनत कुछ बची नहीं। अब तो पहले जमाने में तो केवल जो सम्राट की रानी होती थी ना, वही केवल एक रानी होती थी जो काम नहीं करती थी, आजकल तो मैंने कम से कम लेबर, आप समझ लीजिए आप जितनी कम लेबर करेंगे आप बीमारियों को उतने नजदीक। अभी यदि मैं कहूं, अभी आप लोग भोजन कर तो लेते हैं, जैसे आपने देखा हो बफर सिस्टम में आप भोजन करने गए, करके आ भी जाते हैं, लेकिन आपको अंदर से बड़ा बेकार लगता है, बहुत बेकार सा लगता है, क्यों, क्या उस समय तो खा लेते हैं लेकिन उतनी आपकी पाचन क्षमता नहीं। जैसे मान चलो आपकी शराब की दुकान है, आपकी कपड़े की दुकान है, तो आप एक 90% आप बैठे रहते, अब भोजन जब आप करने जाते हैं तो आपकी जो पत्नी है या मम्मी है वे दोनों ही बहुत राग करती हैं आपसे, तो दाल में भी घी और एक्स्ट्रा रोटी में भी बढ़िया घी, और फिर ऊपर से भी मैसूर पाक मिल जाए तो कहना क्या, रसगुल्ला मिल जाए तो कहना क्या, अब आपने उसे खा लिया। शाम को भी गए तो बढ़िया तला हुआ, कभी भजिए हैं, कभी पकौड़े हैं, कभी
ना कितने आइटम है, अब आपने खा लिए, अब आगे से आप दुकान फिर बैठ गए, कोई आए अभी कपड़ा दिखाना, नौकर से इशारा कर दिया कपड़ा दिखा, मैंने खुद का केवल हाथ हिलता है इतना सा बस, इससे ज्यादा कोई व्यायाम नहीं होती। महिलाओं की स्थिति मैक्सिमम काम कम हो गया है, बहुत कम काम हो गया है, परिणाम ये निकल रहा है कि आपको बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है। मुझे एक बार बताओ, अंदर जो हड्डी है ना, ये किसी से टकरा तो रही नहीं है, क्यों घिस जाती है, तो ये डॉक्टर क्यों कहते हैं गुड़िया घिस गए, कहा से टकरा घिस गए, टकराते तो नहीं किसी से, घिसते कहा। मैं आपको बता रहा हूं, ये जितनी हड्डियां होती हैं ये कैल्शियम का बैंक है, दांत ये कैल्शियम के बैंक है, हड्डियां बैंक हैं। फिर जब बॉडी में कैल्शियम नहीं बनता या कम बनता है तो बॉडी उस कैल्शियम की पूर्ति इन हड्डियों से कर लेती है, दांतों से कर लेती है, तो धीरे धीरे इनमें कैल्शियम कम हो जाता है। अब परिणाम ये निकलता है कि आप इतने नाजुक होते जाते हैं, वृद्धावस्था तक आते आते इतने नाजुक हो जाते हैं कि जरा झटका लगा। और अभी आपने देखा हो पिछले साल सौरभ गांगुली खेलने गए थे तो उनकी वो स्लिप डिस्क हो गई थी, फिर वो परेशान होते रहे, इधर ऑपरेशन उधर ऑपरेशन और तमाम परेशानियां। आपको बहुत अच्छा है, आप केवल क्या करना चाहिए आपको, परिश्रम। और मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए, मजदूर है ना, मजदूर जितने मजदूर हैं मेहनत मजदूरी करने वाले, कभी आपने देखा इनका कैल्शियम कम हुआ, इनकी स्लिप डिस्क सुनी आपने कभी, इनकी बैकबोन प्रॉब्लम सुनी कभी आपने, जबकि अब मन आजकल डॉक्टर क्या कहता है महिलाओं से, वजन नहीं उठाना, वजन नहीं उठाना, तो अब जरा सा पानी का वजन भी नहीं उठाते, क्योंकि वो डॉक्टर ने प्रीकॉशन दिया है, जबकि वो डॉक्टर का प्रीकॉशन, मैं एक बात कहता हूं, यदि वजन उठाने से स्लिप डिस्क होती है तो वो तो 100 किलो उठाता है, फीट के बल पर उठाता है, और यहां से लेकर ट्रक तक चढ़ता हुआ चला जाता है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है और इतना इतना सामान लाद के ऊपर चले जाती है, तो मेहनत करने से स्लिप डिस्क का कोई संबंध नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि आपका परिश्रम नाम की चीज नहीं है, व्यायाम नाम की चीज नहीं है। जैसे मान चलिए मैं एक सरल एग्जाम्पल दूं थोड़ा सा आपको, आप में से शायद 1-2% लोग जिम जाते होंगे, हालांकि उस जिम के पक्ष में नहीं, मैं एक बात कहता हूं, आप जिम में जाके वजन उठाते तो घर में पानी की बाल्टी उठा लिया भर भर के, नहीं बाजार से मम्मी ने कहा सब्जी ला, तो आधे घंटे तक इस बात का इंतजार करते हैं कि पहले भाई साहब तो आए, साइकिल की गाड़ी मोटरसाइकिल की चाबी तो आए, आप बिना मोटरसाइकिल के नहीं जा सकते यार, थोड़ा बहुत 10-5 किलो वजन उठा के ला सकते हैं, मुश्किल क्या 20 किलो वजन उठा के ला सकते हैं 1 किलोमीटर से मार्केट से, हम बिल्कुल इंतजार करेंगे कि वो पीछे एक नौकर पकड़ के बैठ जाए, हम तो केवल गाड़ी चलाएंगे। अब पुराने जमाने के लोग बहुत परिश्रमी हुआ करते थे, आप देखो आज भी जो बुजुर्ग हैं, ये मामा जी बैठे ना, मामा जी जिनका मामा जी कहते हैं, इनकी इनकी हेल्थ देखो आप, फिटनेस देखो इनकी, दौड़ना देखो, चलना देखो, फुल फिट है देखो आप, ये बुजुर्ग लोग बैठे नहीं ये फुल फिट, मैं उनको देखता हूँ, मतलब बिल्कुल टाइम पे आगे बैठ जाएंगे, हमारे पास आज तक 1 मिनट लेट नहीं हुआ, हमारे पास बात फौरन टाइम पे आ जाएंगे, मैंने आज हर कार्यक्रम में उन्हें आगे बढ़ते देख लो आप, स्वस्थ देख लो आप, इनको देखो आप, बुजुर्गों स्वस्थ देखो। अब नई पीढ़ी बीमार क्यों हो रही है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि व्यायाम नहीं है। आप ध्यान रखिएगा ये बात, सुनो फिर आपको बहुत सिंपल बात कहें, देखो अब हम आपको सारे व्यायाम बता रहे हैं, देखो यदि आप जैन दर्शन का पालन करें सारे व्यायाम, पुराने जमाने में जैनी लोग एक भी व्यायाम नहीं करते थे, लेकिन जब कुएं से पानी खींचते थे तो वीरासन लग जाता था, वीरासन नाम सुने, वीरासन पानी खींचते थे, मेहनत होती थी, फिर वो 2 हंडे बड़े बड़े उठा के ऐसा रख के चले जाते तो वेट लिफ्टिंग हो जाती थी और जिन मंदिर में गए, जिन मंदिर में तो जी देखो व्यायाम हो गई, तो जिद तो मैं वो ऐसे कराता सुबह आपने आप ही ऐसे हो जाती थी, फिर जब आप यहाँ तक नमस्कार करते थे ऐसे भगवान को, पंचांग नमस्कार करते थे, साष्टांग नमस्कार करते थे, तो आपके ऑटोमेटिक सूर्य नमस्कार हो जाता था, यहां से लेकर यहां तक आप बैठ के देखिए, पैर मोड़ कर आप ढोक दीजिए, यहां तक लीवर आदि के पूरे व्यायाम होते हैं इसमें, पंचांग नमस्कार या गो नमस्कार जो करते हैं गो आसन का, आप देखो मेहनत, जितने जिन्हें भगवान होते थे जितनी बेदियां होती थी, तो पहले लोग प्रसन्न होते थे, क्यों, ये 25 बैठक अलग से लगाने से अच्छा है कि 25 जगह भगवान को ढोक दो, 25 जगह घुटने मोड़ करके आप बैठ करके ढोक देंगे तो 25 बैठक तो अपने आप लग गई। आंखों का व्यायाम, भगवान को निहार 3 बार, भगवान को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चाहे 3 बार निहार, देखो नमस्कार हो गए तो आंख की व्यायाम हो गई थी,
नहीं हुआ। मंदिर में आप जाके आ गया, घर में आप पोछा लगा दो, तो देखो ब्याह हो गए। सुबह सुबह आप उठो, अब आप क्या करते, बिस्तर चादर मम्मी के भरोसे छोड़ दिए और आप अपने आराम से फिर टीवी देखने लगेंगे या समझ लो सोफा सेट पर लटक गए। आप बिस्तर उठाओ, अपने बिस्तर उठाओ। चादर की घड़ी कैसे करते हैं आप में से 90% लोग चादर की घड़ी आते, यदि करना भी पड़े होगी तो। अब उसमें आड़ी आड़ी टेढ़ी सर हो रही है, आप क्या करिए, आप उसको बिल्कुल बांकाए था चादर को, दोनों हाथ फैला करके लंबे करिए, मोड़िए, फिर दोनों हाथ झटक दीजिए, जब से व्यायाम होगी देखो, व्यायाम होगी देखो। कपड़े निचोड़ दीजिए आप अच्छे से। अब आजकल मम्मी यदि कभी मदद ले लें, आप बेटा जरा चादर निचोड़वा लो, वो अपने आप सूख जाएगा। अरे अपने आप क्यों, अभी आप देखो, आप कभी शर्ट पैंट टांग देते तो कैसे टांग देते। मैं तो मंदिर की धोती देखता हूँ, मंदिर की 90% जगह धोती देखी, बिल्कुल सबसे थर्ड क्लास और लट। अब उसमें सल पड़ रही है, आड़ी टेढ़ी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर डाल दी चाय उसी डाल दी, कोई मतलब नहीं। अरे आपने अच्छे से निचोड़ दिए। देखो अब मानो आजकल क्या होता है, जरा आप बड़े हो जाओगे तो वो डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट आपसे पैसे भी लेगा और आपको निचोड़ने के लिए वो टुकड़ा दे देगा, और नहीं तो फिर वो वाली को दे देगा स्प्रिंग, स्प्रिंग दे देगा ऐसे ऐसे करने वाला, तो ऐसे एक रबर का टुकड़ा दे देगा, वो ऐसे ऐसे कर दे रहा हो आप। अच्छा आप एक काम करो, आप कपड़े को अच्छे से निचोड़ो और फिर तेजी से झटको, अब यहां से लेकर के पूरी गाय हो, पूरी आप कपड़े झटक दो, डाल दो आराम से, तो आपको क्या दिक्कत है। चादर है, चार से बार झटकेंगे आप, बार बार मोड़ते ना, फोल्ड करते जाते, ऐसी बढ़िया सल हो गई, आपने डाल दिया सब खत्म। मेरा मतलब है कि कोई भी काम करो, तरीके से करो, आपकी ऑटोमेटिक व्यायाम हो जाती है, आपको अलग से व्यायाम की जरूरत नहीं। देखो आजकल सब बच्चों को एक बात बहुत सिखा रहे हैं रामदेव, अपने बाल काले करने के लिए, और जो भी बच्चे मिलेंगे ऐसे से करते, मेरी गारंटी है आपके ऐसे करने से बाल काले नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। मैंने सोचा कि क्यों कह रहे हैं ना, हम ऐसे क्यों करवा रहे हैं, ऐसे 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 क्यों करा रहे हैं। इसका बहुत सिंपल गणित है, जब अपन काम करते हैं ना, जैसे अभी मैंने किताब उठाई तो मेरे नाखून सबसे पहले टकराएंगे, देखो झाड़ू उठाने गए, झाड़ने गए, कपड़ा उठाने गए, किताब उठाने गए, कोई काम करो आपके नाखून टकराएंगे। अब चूंकि आजकल के बच्चे काम ही नहीं कर रहे, आजकल तो वो और आगे चूहा माउस, मैंने वो अब पढ़ना, किताब ही नहीं खोलना, किताब ही नहीं उठाना, पेन नहीं उठाना, पेंसिल नहीं उठाना, बस्ता नहीं उठाना, अब पढ़ना भी हो तो बस वो इंटरनेट से पढ़ रहे हो। अब बेचारे नाखून टकराए कहाँ, झाड़ू से लगानी नहीं है, बुक्स उसे उठानी नहीं है, मम्मी को बर्तन उठा के हेल्प करनी नहीं है, कोई काम ही नहीं उसके पास। आप बस केवल छोटे मोटे काम घर के सारे करते चले आओ, आप कोई नाखून अपने आप टकराते रहे, बस इतना सिंपल गणित। अब जिनको क्या कहेंगे, आप पहुंचा कभी वैक्यूम क्लीनर से मत लगाओ, आप खुद झुक के लगाओ, आपको बैकबोन की कोई प्रॉब्लम नहीं। काय बात के दिमाग में कैल्शियम, एकमात्र मुनिराजों का दृष्टान दे दिया, और पोर्टर कुली मेहनत करने वाले किसान लोग, इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तुम कितनी रोटी खा सकते हो, मुश्किल से पतली पतली चार छह, और यदि किसी किसान को आप बिठा दो आपके भोजन करने तो उसे इतनी तो शर्म आएगी कि आप कैसे खाए, क्योंकि जितनी कुल रोटियां आपकी बनी है ना उतनी तो उसका नाश्ता है। यदि वो आजकल बड़े बड़े घरों में दो रोटी मुश्किल से खाते हैं, बिल्कुल मुझे इसमें भी एक बात कहनी है। आप आजकल डॉक्टर सभी लोगों को एक सजेशन दे रहे हैं, घी मत खाओ, नहीं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लॉकेज, फिर आपको वो क्या कहलाएगा, फिर आपको बायोप्लास्टिक करवानी है, एंजियोप्लास्टिक कराना पड़ेगा, नहीं तो बायपास सर्जरी करानी पड़ेगी। मैं एक बात बताऊं आपको, ये बहुत ही उल्टी बात है, हम उस देश के वासी हैं जहां दूध घी की गंगाएं बहती हैं, और हम दूध घी खाए बिना रह नहीं सकते। लेकिन अब समस्या वही है, डॉक्टर क्या करें, आप परिश्रम करें तो दूध घी पचा सकते हैं, लेकिन परिश्रम तो बचे ही नहीं, इसलिए वो ब्लॉकेज होने लगे। वो अब ऑपरेशन कराओ, बीपी होगा, हार्ट अटैक होगा, आप बायपास सर्जरी कराओ, नहीं तो 5-5 लाख रुपए खर्चा करो। तो आप एक काम करो, या तो सेमी मत खाओ घी वगैरह, और अच्छा बचत हुई, और नहीं तो खाना हो तो फिर उससे पहले मेहनत चाहिए। ये आजकल डॉक्टर बहुत कह रहे हैं, आजकल तो डॉक्टर शक्कर को मना कर रहे हैं, नमक को मना कर रहे हैं,
मावा नहीं खा सकते, खोवा नहीं खा सकते आप, क्यों? कि आपके परिश्रम नहीं बचे। आप समझ गए सारे बच्चे? बच्चों को भी क्या कहेंगे, सबसे बढ़िया गेम थे अपने भारत के फुटबॉल, जिसमें सारे बच्चे लगातार आधा एक घंटा डेढ़ घंटा बढ़िया खेलते, लेकिन कौन सा खेल ले लिया? क्रिकेट। क्रिकेट का मैं थोड़ा सा आलोचक हूं, थोड़ा सा आलोचक, मालूम किस बात का आलोचक? 90% सही फील्डर नहीं बन पाते इनमें से, दो ही पैर में से गेंद निकल जाती। ग्यारह खिलाड़ी में से वही एक तो ही दौड़ते रहते हैं, बाकी तो सब खड़े ही रहते हैं। उससे कहो भाई मैं से खड़े हो तैयार, तो गेंद आने तो दो। यदि वो थोड़ी गेंद चली जाए दूर तक, तब तुम ही उठा के लाओ। मैंने देखा है बच्चों की स्थिति इतनी खराब स्थिति है, क्रिकेट में भले आपको मजा आता हो लेकिन आप क्रिकेट के लायक बहुत कम है, आप में से बहुत कम होंगे जो क्रिकेट के लिए फिट होंगे, 1% भी नहीं होंगे इस समय, 1% फिट नहीं होंगे। और इसके लिए मैं फिर याद दिलाता हूँ आपको, इतनी बड़ी टीम के लिए फिजियोथेरेपिस्ट होता है। अभी मैंने पढ़ा समाचार पत्र में, दो बातें बताता हूँ आपको खेलों के बारे में। ग्रेग चैपल नाम समझिए, ग्रेग चैपल ने वेस्ट इंडीज में क्या कहा मालूम, एक भी खिलाड़ी होटल पे नहीं खा सकता, एक भी खिलाड़ी सड़क पर किसी ठेले पर कुछ नहीं खा सकता, एक भी खिलाड़ी किसी 5-star 3-star में नहीं जा सकता। उसने कहा कि जो मीनू हम बताएंगे और जो भोजन बनेगा वो करना पड़ेगा। पढ़ा न्यूज पेपर में, वही तो हम कहते हैं लक्ष्य के लिए समर्पित भोजन, लक्ष्य के लिए समर्पित संयमित खान पान रहन सहन। जब खेल में सफल होने के लिए संयमित भोजन चाहिए, तो मोक्ष जाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या संतुलित भोजन नहीं चाहिए पड़ेगा? ये सब विचार करना। एक दूसरा समाचार, अभी फुटबॉल का महाकुंभ लग रहा है, वहां पर वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है, खिलाड़ियों पर कड़ा प्रतिबंध है कि आप कभी इधर उधर नहीं जाएं। माने देखो, कुशील खेलने में सफलता में बाधक, तो हम एक बात पूछते जैन शासन की प्रभावता में, प्रभावना में और आत्मकल्याण में कुशील बाधक नहीं होगा? वजह तो मैंने इन घटनाओं से प्रेरणा मिलती है, वहां पर भी जो लोग सफल होना चाहते हैं वे 5 पापों पर प्रतिबंध लगाते हैं। पिछले दिनों मालूम होगा आपको, पाकिस्तान के वो खिलाड़ी वहां पे वो तेज गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, है ना, 3-4 खिलाड़ी अबू धाबी में पकड़े गए सऊदी अरब में, तो पूरे देश ने आलोचना करी, आप असंयमित व्यवहार नहीं करें, अन्य देश में जाकर अथवा देश में असंयमित व्यवहार नहीं करें। बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम आपको मालूम होंगे जो बदनाम हुए। हमारा मतलब यह है कि जब वे लोग तो मांसाहारी हैं, धर्म की कोई बात नहीं है, जब जितने संयम पर वे ध्यान देते हैं, तो क्या हमें जैन शासन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए संयमित नहीं होना चाहिए? बस यदि आप संयमित होते हैं तो मुझे इसकी बड़ी खुशी होगी। ठीक है, तो ये अपने थोड़ी सी चर्चा, 1 घंटा अपना हो गया लगभग, और अपने ये चर्चाएं की हैं, हालांकि मुझे अभी उसमें वो मजा नहीं आया जो मजा मुझे आना चाहिए, इसलिए मैं चाह रहा था केवल चुनिंदा सिलेक्टेड बैठे और हम उनकी बीच में बैठे, जस्ट लाइक फ्रेंडली, हंसी मजाक भी हो जाए, वे हमसे कुछ पूछ सकें, हम उन्हें बता सकें, उस वातावरण का मजे ही कुछ अलग है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग इस बात को, मैं जानता था आपको ऐसा लगता होगा आज कैसी बात लेके बैठ गए, हम तो सोरे पंडित जी बड़े अध्यात्मवादी हैं, अच्छी सी बातें करेंगे, वे खावे पीवे की बातें चली, लेकिन आज 99% जब श्रावक बीमार होंगे तो पूजा पाठ कौन करेंगे? स्वस्थ तन स्वस्थ मन तब स्वस्थ स्वाध्याय और तभी स्वस्थ ध्यान आदि होते हैं, इसलिए चरणानियों की महिमा बताने के लिए आपको इतनी चर्चा अपन ने की है, समझ में आया? बाकी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है।